हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने देखा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ। आज हम लोग देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। बेसिक प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। जिसमें फर्स्ट है, जितनी मैं लाइनिंग करूँगा आप उसे नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स में। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन क्या होता है? देखिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब जो सजातीय और विजातीय का मतलब है, सजातीय का मतलब सेम जाति का, यानी समान प्रकार के आवेश, यानी ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यदि ये निगेटिव और दूसरा वाला भी निगेटिव, तो भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यदि पहला वाला प्लस चार्ज है, दूसरा वाला निगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर। आप इसे अपने नोट्स में राइट भी करेंगे। सेकेंड है आवेश का संरक्षण, ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्जाम के लिहाज से। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसे कहते हैं। ये नियम क्या है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी विद्युत निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश जो होता है वो क्या होता है? नियत। आवेश का मतलब ये मत समझिए कि क्या है आवेश का मतलब, बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। जैसे देखिए, यदि आप इस चीज़ को